हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इलेक्ट्रो सीएसई के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त चंदन वर्मा। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे आर्डिनो हार्डवेयर प्रोग्रामिंग सीरीज, जिसमें हम लोग ऑलरेडी फंक्शंस लेक्चर स्टार्ट कर चुके थे। लास्ट लेक्चर में ही हम लोग लास्ट लेक्चर में कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन देखे थे। आज से हम लोग वही लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे आज पहली बार आए, मैं उन्हें बता दूं, इस चैनल पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स और आईओटी से रिलेटेड मैं वीडियोस डालता रहता हूं। और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए। तो अब देखते हैं आज के वीडियो में हम लोग कौन कौन सा फंक्शन देखने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में 12 फंक्शन, टोटल 12 फंक्शन देख चुके हैं। आज हम लोग फंक्शन नंबर 13 से शुरू करने वाले हैं। हम लोग टोटल 100+ फंक्शंस देखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर में और हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। अभी अपकमिंग वीडियोस में हम लोग एरे देखेंगे, स्ट्रिंग देखेंगे, एसपीआई पिंस देखेंगे, लाइब्रेरीज, टोटल 80-90 लाइब्रेरी देखेंगे। इसके बाद फिर मोटर ड्राइवर को यूज करके हम लोग मोटर कैसे कंट्रोल करेंगे। आर्डिनो सेंसर पे भी हम लोग बहुत सारे काम करेंगे। सर्स फिर देखेंगे आर्डिनो साउंड, आर्डिनो वायरलेस कम्युनिकेशन, आर्डिनो प्रोजेक्ट्स, उसके बाद फिर एडवांस आर्डिनो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चलिए शुरू करते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। आज हम लोग जो फंक्शन देखने वाले हैं उस कैटेगरी का नाम है एडवांस इनपुट आउटपुट फंक्शंस, जिसमें हमारे पास पहला फंक्शन है टोन, नो टोन, पल्स इन लॉन्ग, शिफ्ट इन, शिफ्ट आउट। हम लोग ये सब आज देखने वाले हैं एक एक करके। अब देखते हैं हम लोग आज का अपना पहला फंक्शन, जिसका नाम है टोन। अब देख रहे हैं यहाँ पे नंबर 13 लिखा हुआ है टोन में, मतलब इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 12 फंक्शन देख चुके हैं, ये नंबर 13। टोन फंक्शन में हम लोग को तीन चीज पैरामीटर में पास करना होता है, एक पिन नंबर, पहला पिन नंबर, दूसरा फ्रिक्वेंसी, और तीसरा है जो ऑप्शनल है, आप ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं कि भाई ये टोन फंक्शन कब तक चलेगा। ये टोन फंक्शन से होगा क्या, ये टोन फंक्शन से हम लोग ऑडियो जनरेट कर पाएंगे। ऑडियो जनरेट कर पाएंगे बजर में, कितना देर तक उसको चलाना है, किस पैटर्न में चलाना है, हम लोग अभी प्रैक्टिकल सेशन में भी आज भी हम लोग देखने वाले हैं कि टोन फंक्शन सिग्नल का स्क्वायर वेव जनरेट करता है, जिसका ड्यूटी साइकिल 50% है। अब 50% का मतलब क्या, 50% का मतलब ये कि अगर मैंने उसे टाइम दे रखा है कि 1 सेकेंड तक चलाओ, तो 50% काम करेगा, वो आधा सेकेंड चलाएगा, आधा सेकेंड बंद रखेगा, मतलब स्क्वायर वेव टाइप का, कुछ इस टाइप का। अगर आप टोन फंक्शन में ड्यूरेशन नहीं मेंशन करेंगे तो वो फंक्शन लगातार चलते रहेगा जब तक आपने नो टोन फंक्शन नहीं कॉल किया हो। नो टोन फंक्शन उसे स्टॉप करने के लिए है, जब तक आप नो टोन फंक्शन नहीं कॉल करेंगे वो लगातार साउंड प्रोड्यूस करते जाएगा। आप टोन फंक्शन में फ्रीक्वेंसी वाले पैरामीटर में आप 31 हर्ट्ज से कम नहीं पास कर सकते हैं, 31 हर्ट्ज से कम उससे वो जनरेट नहीं करेगा, मतलब आप फ्रीक्वेंसी के जगह पे आप मिनिमम 31 ही पास कर सकते हैं, 31 से कम नहीं। इसके बाद है टोन फंक्शन आप अलग अलग पिन के लिए यूज नहीं कर सकते, एक फंक्शन एक ही पिन पे काम करेगा। अगर आपको दूसरा पिन को एक्सेस लेना है टोन फंक्शन से, तो आप पहले वाले को पहले स्टॉप करेंगे नो टोन फंक्शन यूज करके, तब आप दूसरे वाले पे आगे काम कर सकते हैं। आप टोन फंक्शन से एक ही टाइम पे दो अलग अलग पिन पे यूज नहीं ले सकते हैं, एक बार में आपको एक ही लेना है, उसके बाद फिर उसे आपको नो टोन फंक्शन कॉल करके पहले वाले का स्टॉप करना होगा, उसके बाद फिर आप सेकंड वाले को यूज ले सकते हैं। अब देखते हैं कुछ पैरामीटर में क्या क्या पास करना होता है। फर्स्ट में तो आपको पता ही है पिन नंबर पास करना है, उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी पास करना है हर्ट्स में, जिसका डेटा टाइप है अनसाइंड इंट, या पास कर सकते हैं, निगेटिव वैल्यू नहीं पास करेंगे आप। और जो ड्यूरेशन आपको देना है मिली सेकेंड्स में देना है, और ये भी अनसाइंड लॉन्ग है, और ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। अब देखते हैं इसका एग्जांपल प्रैक्टिकल के थ्रू कैसे इसको लगाना है और कैसे ये काम करता है, जिसमें आप देखिए हमारे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, जिसमें पिन नंबर 12 पे सेट कर रखा है एक स्पीकर, जिसमें वेरिएबल लिखा हुआ है SPK, स्पीकर के लिए मैंने एक वेरिएबल लिख रखा है, इसमें एज ए पिन नंबर 12 को असाइन कर दिया, उसको वॉइड सेटअप, इसको मैंने वॉइड लूप में लिख रखा हूँ, ताकि मुझे ये बार बार सेम ही चीज आउटपुट मिले। देखिए यहाँ पे टोन फंक्शन लिखे हैं, टोन फंक्शन में सबसे पहला पिन नंबर पास किए हैं, उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी, उसके बाद फिर ड्यूरेशन मिली सेकेंड में 500 मिली सेकेंड, इसके बाद डिले दे रहे हैं हम लोग को, ताकि वो बीच बीच में गैप दे करके, एक सेकंड का गैप मिल करके हम लोग को साउंड एज आउटपुट मिले। अभी देखते हैं इसे हम लोग प्रैक्टिकल आर्डिनो को कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर के थ्रू। अभी मैं कोड अपलोड करने से पहले मैं बजर को कनेक्ट कर लेता हूं। हम लोग पिन नंबर 12 में रेड वायर को कनेक्ट करने वाले हैं और ग्राउंड को ब्लैक वायर से। इसके बाद फिर अब मैं कोड अपलोड करता हूं, कंपाइल हो रहा है।
सुन सकते हैं आप, ये जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ये हर एक सेकंड के गैप में प्रोड्यूस कर रहा है। अभी देखिए एक एक सेकंड के गैप में बजर बजना स्टार्ट हो गया है। इसका जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी 1000 दे रखे थे, इसको मैं अभी चेंज करके करता हूँ 2000, उसके बाद अपलोड करते हैं, उसके बाद देखते हैं साउंड में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ये अलग फ्रीक्वेंसी लेवल पे साउंड देगा, ये देखिए आप शायद सुन पा रहे होंगे। आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में मिनिमम 31 ही देना है, 31 से कम आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये फिर आर्डिनो कैपेबल नहीं है वो 31 से 31 हर्ट्ज से नीचे फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने के लिए। अभी मैं इसे रोक देता हूँ, रोकने के लिए मैं डायरेक्टली ब्लैंक कोड अपलोड कर दे रहा हूँ, मैं अभी कनेक्शन नहीं छुड़ा रहा हूँ। लेकिन ये बस बीप साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें मज़ा नहीं आया। ये तो हम लोग बिलिंग एलईडी का प्रोग्राम लिख करके भी ये करा सकते थे, लेकिन इसमें कुछ मज़ा नहीं आया, ये बस एक ही चीज़ बीप प्रोड्यूस कर रहा है। अब मज़ा आएगा, अब देखिए इसमें थोड़ा सा मेलोडी, ये देखिए मेलोडी का हमारे पास कोड है, इसमें डिफाइन कर रखा है, कॉन्स्टेंट से डिफाइन कर रखे हैं हम लोग के। ये जो डिफाइन किया हुआ ये फ्रीक्वेंसी डिफाइन किया हुआ, मैंने आपको बताया था ना मिनिमम 31 ही देना है, 31 से नीचे वो आर्डिनो कैपेबल नहीं है कि उतना कम का फ्रीक्वेंसी ये जनरेट कर पाए। यहाँ पे बहुत सारा हम लोग डिफाइन कर रखे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी, उसका कुछ ना कुछ नाम दे रखे हैं, इसको हम लोग कॉल करेंगे फंक्शन में तो अलग अलग तरह का साउंड इफेक्ट सुनने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक हम लोग एरे बनाए हैं, जो एरे अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है, बस मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक एरे बना हुआ है, उसमें हम लोग ये नोड C4 है जो सेंटर में है, इस एरे में हम लोग फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर रखे हैं। मेलोडी नाम का एरे में हम लोग फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर रखे हैं, एक का नाम कॉमा देकर, मतलब एरे में बहुत सारे सिमिलर टाइप का वेरिएबल को स्टोर किया जाता है। अभी हम लोग इसको एरे को डिटेल में देखेंगे जब एरे लेक्चर देखेंगे। बस अभी मैं बस इस प्रोग्राम को इसलिए लाया हूँ क्योंकि हम लोग अभी टोन देख रहे थे ना, तो हम लोग मेलोडी क्रिएट कर सकते, ताकि हम लोग टोन को यूज करके क्या क्या क्रिएट किया जा सकता है, बस ये नॉलेज के लिए अभी हम लोग प्रोग्राम देख रहे हैं। मेलोडी में हम लोग फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर रखे हैं, उसके बाद फिर नोट ड्यूरेशन, ये जो टाइम गैप है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइम गैप भी स्टोर कर रखे हैं ताकि वो इतना देर के बाद अलग अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस करें। इसके बाद फिर टोन फंक्शन यहाँ पर आया, टोन फंक्शन में हम लोग यहाँ पे 12 पिन को ले रहे हैं एज ए आउटपुट, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पास कर रहे हैं, फिर नोट ड्यूरेशन, हम लोग ये नोट ड्यूरेशन, ये टाइम, हम लोग इसे वॉइड सेटअप में लिखे हैं, एक ही बार में मुझे चलाना है, अगर आपको बार बार चलाना था वॉइड लूप में इसे सिंपली इतना पेस्ट कर दीजिए। आपको ये सब सारा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जा करके ले लीजिएगा। अब चलिए मैं इसे अपलोड करता हूँ, उसके बाद देखते हैं कैसा साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये एक ही बार चलेगा, पैटर्न में चलेगा। अपलोडिंग चल गया भाई, एक बार मैं और इसे अपलोड करता हूँ। तो इस तरह से यूज करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो भी इस पे एक्सपेरिमेंट कीजिए आप लोग, यहाँ पे एरे में चेंज कर करके। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इसके बाद हम लोग नो टोन भी समझ चुके, नो टोन में जब टोन एग्जीक्यूट हो रहा है उसे रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए नो टोन, इसमें सिर्फ एक ही चीज पास करना होता है आपको एज ए पिन नंबर, कौन सा पिन नंबर में आपको स्पीकर को बजने से रोकना है। इसके बाद हमारे पास है पल्सिंग पिन। पल्सिंग पिन क्या करता है ना, ये पिन का स्टेटस पता करने के लिए, पिन का हाई और लो है, अगर हाई हुआ है तो कितना देर बाद लो हुआ है, बस उस टाइम गैप को हम लोग पता करने के लिए पल्स इन फंक्शन को यूज करते हैं। अब देखिए इसमें जब ये वेट करता है कब तक हाई हुआ, हाई के बाद कितना देर बाद लो हुआ, वो दोनों के टाइम गैप को प्रिंट करता है, रिटर्न में देता है। पल्सिंग पिन टाइम को माइक्रोसेकंड्स में रिटर्न करता है, और इसका डेटा टाइप है रिटर्न करने का अनसाइंड लॉन्ग के रेंज में ही रिटर्न करता है। ये रिटर्न कर सकता है आपको 10 माइक्रोसेकंड से लेकर के 3 मिनट तक ही का, ये टाइम गैप को पता करने के लिए यूज किया जाता है। इसका आप एक प्रोग्राम देखिए, पिन नंबर 7 में हम लोग एज ए इनपुट ले रहे हैं कि उसका स्टेटस मुझे चेक करना है, वो कितना देर तक पिन हाई रहा, कितना देर तक उसमें करंट रहा, उसको पता करने के लिए हम लोग पिन मोड में एज ए इनपुट ले रखे हैं पिन नंबर 7 को। इसके बाद फिर लूप में हम लोग ड्यूरेशन, यहाँ पे ड्यूरेशन एक वेरिएबल में स्टोर कर दिए हैं, उसके बाद हम लोग ड्यूरेशन में स्टोर कर रहे हैं पल्स इन हाई कब तक हुआ है, जिसमें फर्स्ट में पिन नंबर पास किए हैं और हाई को स्टोर कर रहे हैं, वो प्रिंट करता जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट है हमारा पल्स इन लॉन्ग फंक्शन। पल्स इन लॉन्ग फंक्शन क्या है ना, जस्ट अल्टरनेटिव है पल्स इन फंक्शन का। इसमें आप लोग ज़्यादा लंबा समय तक आप रिटर्न करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं टाइम गैप को। आपको लास्ट
पल्सिंग फंक्शन में बस 3 मिनट तक ही हम लोग स्टोर करवा पा रहे थे, इसमें आपको 50 डेज तक कर सकते हैं, 50 डेज। हाँ, पल्सिंग लॉन्ग फंक्शन में आपको फर्स्ट आर्गुमेंट में पिन नंबर पास करना है, सेकंड में आपको वैल्यू पास करना है हाई और लो, थर्ड आपको ऑप्शनल है ड्यूरेशन के लिए, ये भी रीड करता है वही हाई और लो सेम एज। इसका डेटा टाइप है रिटर्न करने का अनसाइंड, लॉन्ग रेंज में ही रिटर्न करता है ये डेटा। इसके बाद हमारे पास दो और फंक्शंस है, शिफ्ट इन और शिफ्ट आउट। अब ये दोनों फंक्शन को ना अभी हम लोग एडवांस लेक्चर में देखेंगे, अभी हम लोग क्यों नहीं देखेंगे क्योंकि अभी तक हम लोग लाइब्रेरीज नहीं पढ़े हैं और ना ही एसपीआई पिंस पढ़े हैं, वो उस पर बेस्ड है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि पहले लाइब्रेरी और फिर एसपीआई पिंस जब पढ़ लेंगे उसके बाद फिर हम लोग एडवांस लेक्चर्स में हम लोग ये दोनों भी कवर करेंगे। तो ये दोनों फंक्शन देखने के लिए अपकमिंग वीडियोज़ में मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, अभी तो हम लोग टोटल 18 फंक्शंस ही देखे हैं, अभी हम लोग बहुत सारे फंक्शंस अभी और अपकमिंग वीडियोस में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट।